फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोना सिंह और मैं आपको स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास में। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में CBSE क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का मैरी गोल्ड का सिलेबस एक्सप्लेन करके बताया था, सेम उसी प्रकार मैं इस वीडियो में इंग्लिश रेन ड्रॉप का सिलेबस एक्सप्लेन करके बताऊँगी, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लीज़ ये मेरा वीडियो पूरा ही आखिरी तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक एक यूनिट दी गई है और हर एक यूनिट में एक एक चैप्टर दिए गए हैं। तो इस जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक पहले क्लैप क्लैप करके यहाँ पर एक पोयम बताई गई है, जो बच्चों को बहुत ही इजी तरीके से फ़न करते हुए बच्चों को सिखाई जाएगी। फिर यूनिट टू में 1, 2, 3 यानी नंबर्स के द्वारा यहाँ पर एक पोयम बच्चों को सिखाई जाएगी। एंड यूनिट थ्री में द लिटिल बर्ड, यहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया के बारे में स्टोरी बताई गई है। यूनिट फोर में बबल्स के बारे में यहाँ पर एक पोयम बताई गई है, जिसमें बच्चे जो होते हैं बबल्स के साथ बहुत ही मज़े करते हैं, बहुत फन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूनिट फाइव में छोटू यानी एक चूहे का नाम छोटू होता है, ये स्टोरी हुई एक। वह बहुत बाहर बाहर जा जाकर घूमता है और उसकी मम्मी उसे मना करती है पर वो नहीं मानता है। बाद में क्या होता है कि एक कौवा आता है और उस चूहे को पकड़ कर ले जाता है अपने पंजे पर फंसा कर, लेकिन एक तोते के द्वारा वह छूट जाता है और अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है कि मैं अब कभी भी घर के बाहर नहीं जाऊँगा। इसी प्रकार से यूनिट सिक्स में एनिमल्स एंड बर्ड्स के यहाँ पर पिक्चर दी गई है एंड उनके नेम भी दिए गए हैं, जो बच्चों को पिक्चर्स दिखाकर उनके नेम भी बताए जाएंगे और पिक्चर्स भी बताई जाएगी। फिर यूनिट सेवन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं और उनके नेम्स भी दिए गए हैं, बच्चों को यहाँ पर कौन सा फ्रूट्स कौन सा होता है एंड वेजिटेबल्स और उनके नाम से बच्चों को यहाँ लर्न करवाए जाएंगे। फिर यूनिट एट में हु एम आई, मतलब यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है, जिसमें कि एक टीचर होती है जो बच्चों को एक सर्कल में बैठा देती है और उन्हें बॉल पास करवाती है, और जो बॉल जिस बच्चे के पास रुक जाती है फिर उनसे पूछती है बताइए आप कौन हैं, ऐसा करके यहाँ पर एक पोयम दी गई है। फिर यूनिट नाइन में हाइड एंड सीक कर यहाँ पर एक स्टोरी है, जिसमें कि एक डॉगी होता है, उसका नाम मोती होता है। वह पहले तो एक कैट के पास जाती है और बोलती है खेलने के लिए, तो वो बोल देती है हमें तो अभी नहीं खेलना, हमें भूख लगी है, हमें खाना ढूंढने जाना है। इस प्रकार से वो फिर मेढक के पास जाता है तो मेढक भी वो ऐसे ही बोल देता है। इसी प्रकार से वो बहुत निराश हो जाती है। लास्ट में क्या होता है कि सारे जानवर उसके पास आ जाते हैं और वो लोग साथ में मिलकर हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते हैं। इसी प्रकार यूनिट 10 में फन द नंबर यानी नंबर्स के द्वारा बच्चों को खेलना सिखाते हैं और नंबर्स भी लर्न करना सिखाया जाता है। फिर यूनिट 11 में शेप्स के बारे में बताया गया है, यानी आकार, जैसे कि रेक्टेंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ओवल क्या होता है, ऐसे यहाँ पर बच्चों को शेप्स के बारे में सिखाया जाएगा विद नेम। एंड यूनिट 12 में कैट के बारे में यहाँ पर एक मतलब छोटी सी स्टोरी है, जो एक छोटी सी कैट के बारे में स्टोरी पढ़ाई गई है। फिर यूनिट 13 में यहाँ कलर्स के बारे में बताया जाता है, मतलब बर्ड के द्वारा जैसे चिड़िया होती हैं रंग बिरंगी कलर की, उसी प्रकार से यहाँ पर रंग बिरंगी कलर की चिड़ियों के द्वारा बच्चों को कलर यानी रंगों के लिए यहाँ पर पढ़ाया जाता है। फिर यूनिट 14 में एक्शन भी डो, मतलब यहाँ पर एक्शन बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि पिक्चर्स दिखाकर एक्शन में कि कैसे बात करना है, कैसे ब्रश करना है, कैसे ड्रिंक करना है, कैसे वॉश करना है हैंड को, यहाँ पर एक्शन के द्वारा बच्चों को बताया जाता है। फिर यूनिट 15 में लेफ्ट एंड राइट, मतलब बच्चों को एक मतलब यहाँ पर एक स्टोरी होती है, जिसमें कि मम्मी अपने बच्चे से पूछती है कि जैसे कि वो ग्लास कहाँ है, राइट में रखा है या लेफ्ट में रखा है, इस प्रकार से यहाँ पर एक स्टोरी बच्चों को बताई जाएगी। फिर यूनिट 16 में द लायन एंड द माउस की यहाँ पर एक स्टोरी बताई जाएगी। यूनिट 17 में मॉर्निंग एंड इवनिंग के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि मॉर्निंग में हमें क्या करना चाहिए एंड इवनिंग में हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर यूनिट 18 में मे आई कम इन, यानी यहाँ पर एक छोटी सी मतलब बच्ची होती है जो मैम से बार बार पूछती है मे आई कम इन, मे आई कम इन, ऐसा करके वो बच्चों से बच्चे पूछते हैं मैम से, तो मैम उनको बताती है मे आई कम इन के मीन्स क्या होता है।
फिर यूनिट 19 में एक्शन सॉन्ग दिए गए हैं, मतलब एक्शन करके सॉन्ग बच्चों को यहाँ पर सिखाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो आपको बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाए। अब मैं क्लास फर्स्ट में हिंदी एंड मैथ का भी यहाँ पर सिलेबस डालूंगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।